हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले गोभी फ्राई बहुत ही आसान तरीके से एकदम नायाब और न्यू रेसिपी है। इंस्टेंटली हमारी गोभी मसाला बनके तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें गोभी को मैरिनेट करना है, उसके लिए मसाले ले लेते हैं। तो एक टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और उसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा पाउडर। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एक टेबलस्पून हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, कम से कम एक चौथाई कप पानी लगेगा, पर धीरे धीरे हम करके डालेंगे और एक फाइन सा घोल तैयार कर लेंगे। तो धीरे धीरे करके इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसी घोल में हमें जो है हमारी गोभी को मैरिनेट करना है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। अब इसमें हम गोभी डाल देते हैं। तो मैंने 200 ग्राम गोभी ली है और आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें ताकि चारों तरफ से मसाले में कोट हो जाए। तो दोस्तों, मैंने इसको गोभी को अच्छे से क्लीन करके थोड़ा से गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नमक डाल के इसको अच्छे से साफ़ करके ले लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं, ढक के रखेंगे ताकि मैरिनेट हो जाए अच्छे से। 10 मिनट बाद आप पैन में ऑयल ले लें। तो 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है मैंने, इसमें एक चम्मच जीरा डाल दिया। जैसे ही जीरा हमारा चटकने लगेगा, हम इसमें डाल देंगे एक चौथाई चम्मच हींग। अब उसके बाद हम इसमें हमारी जो मैरिनेट की हुई गोभी है वो डाल देते हैं। अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर दें। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाल देंगे ताकि नीचे से जले ना। तो हल्का सा, थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 टेबलस्पून डालेंगे। अब हम गोभी को 10 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे, धीमी आंच पर रखेंगे और बीच बीच में हम इसे ढक्कन ओपन करके हिलाते रहेंगे ताकि नीचे पकड़े ना, और इसको अच्छे से एक बार मिक्स करते जाएं और फिर इसे पकने के लिए छोड़ दें। दस मिनट में ही हमारी गोभी जो है बढ़िया पक के तैयार हो जाएगी। देखिए, एकदम परफेक्टली पक के तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला। तो एक चौथाई चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ मैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। और अब हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 2 मिनट के लिए हम इसे ढककर रख देंगे और आंच आप धीमी रखिएगा। बस 2 मिनट में ही हमारा जो गोभी फ्राई है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, एकदम परफेक्ट बनी है, बहुत ही बढ़िया महक आ रही है। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर बना के देखें। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने कमेंट्स में साथ शेयर